Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. So in this video we are going to talk about something very important. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगले 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा. इनफैक्ट अब तो 20 दिन भी नहीं बचे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 जून के बीच में आपके रिजल्ट आ जाएंगे. ये बहुत पहले हुआ करता था कि 45 दिन 50 दिन लग रहे हैं प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में. कम्स 2020, कम्स पैंडेमिक, जब सब ने ये इमेजिन किया कि पेपर बहुत ईजी आएगा, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया पहली बार. और साथ ही में जो रिजल्ट्स 45 दिन के अंदर आया करते थे वो 25 दिन में आ गए. तो अब धीरे 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 रिजल्ट्स जल्दी ही आ रहे हैं. 15 जून से 20 जून के बीच में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जहां आपकी लाइफ का इतना समय आपने लगा दिया अपनी प्रेपरेशन में, वहां बिना कुछ सोचे प्लीज़ बेस्ट ये होता कि आप आंसर कीज चेक ही ना करते. क्योंकि लेकिन अगर आप अभी कर चुके हैं, मुझे पता है कि सब आंसर कीज चेक कर चुके हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट आंसर कीज चेक किए बिना आगे बढ़ना. तो ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से बनाई जा रही है कि आप आंसर कीज चेक करने के बाद भी आपको पता हो कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट आंसर कीज में जो वेरी करते हैं जिनके आंसर्स, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर विच आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. तो आपको कंफर्म कैसे हुआ कि आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, या आपको तो कट ऑफ के बारे में भी नहीं पता है ना. तो ये जो वीडियो है बेसिकली वो इसलिए बनाई जा रही है कि आप अगले 15 दिन 20 दिन अपनी प्रेपरेशन करें, जहाँ इतना समय लगा दिया जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, वहाँ थोड़ा समय और सही, बिल्कुल होल हार्टेडली अपनी मेंस की प्रेपरेशन कीजिए, ठीक है. और साथ ही में अब मैं चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती, आप प्लीज़ जो लास्ट वीडियो है चैनल पे उसे जाकर देखिए, मैंने उसमें कुछ प्लान भी ऑप्शंस भी बताए हैं. मैंने पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि रोज़ अगले 20 दिन 1 से 2 घंटा, अगर तो आपको प्लान बी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता आपने, है ना, आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि आप इंजीनियर नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, जिनके लिए शॉर्ट शॉर्ट होता है कि वो अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड ही जॉब लेंगे, ठीक है. तो अगर आप या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स को लेके भी बहुत सिक्योर नहीं है कि और जो गवर्नमेंट पेपर्स हैं वो आपके, तो आपको प्लान बी के बारे में सीरियसली कॉन्टम्पलेट करना बहुत ज़रूरी है. आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट वेरी सीरियसली, गिवन हाउ द पेपर इज इवॉल्विंग दीज डेज. जैसा हो रहा है, जिस तरह का सीसैट का पेपर आया और जिस तरह का प्रीलिम्स का पेपर आया, यू कांट रियली सिट ऑन योर हैंड्स. यू विल हैव टू स्टार्ट कॉन्टम्पलेटिंग अबाउट योर सीरियस ऑप्शन कि क्या कैसे बिताना चाहते हैं. अगर आप साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ में क्या करना चाहते हो, और ठीक है. तो रोज 1 से 2 घंटा निकालिए, अपने प्लान बी के बारे में सोचिए. पिछले वीडियो में मैंने कुछ ऑप्शन दिए थे आपको, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं. लेकिन ये वीडियो आपको बस इस चीज़ पे कन्विंस करने के लिए बनाई जा रही है कि आप खुद देख सकते हैं. हम 3 आंसर कीज देखेंगे और 3 आंसर कीज को कंपेयर करेंगे कि कैसे 11 क्वेश्चन ऐसे हैं, अराउंड 11 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं विच आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. और इनफैक्ट जो 2 ऑप्शन, यानी कि जो 2 आंसर जिसके पॉसिबल निकल के आ रहे हैं इन क्वेश्चन के, वो दोनों ही हो सकते हैं. आई विल गिव माई टेक ऑल्सो, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. Also, one more thing, I know a lot of people, बहुत लोगों ने मुझे लिखा भी, मेल किया, मैसेज किया कि अप्रैल मंथ की इकोनॉमी की वीडियो और PSIR की, यानी कि पॉलिटी और गवर्नेंस और IR का जो सेक्शन का कंपाइलेशन हमने शुरू किया है वो प्लीज़ अपलोड कर दीजिए. तो मोस्ट प्रॉब्ली कल और परसों में दोनों वीडियोज़ जल जाएंगी, यानी कि इकोनॉमी की भी और PSIR की भी. ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो पहली आंसर की हम डिस्कस करेंगे वो शंकर IAS की आंसर की है. शंकर IAS की आंसर की सच में सबसे ज़्यादा क्रेडिबल हुआ करती थी. हार्डली 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कभी कभी तो इनका गलत होता था UPSC की आंसर की से कुछ समय पहले तक. अब तो किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं आप जानते हैं. अब देखिए एक और चीज़, ये वीडियो किसी के ऊपर डिग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. क्योंकि अब UPSC ने बहुत सारी चीज़ें, देव टेकन अप लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर हैंड्स, ओके. तो हम ना शंकर IAS को, जो सेकंड आंसर की है वो घनश्याम गौतम सर की है, जो IPS ऑफिसर हैं, आप जानते हैं, ही इज लाइक अ वेरी नाइस मैन, ही इज बीन गाइडिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो सेकंड आंसर की उनकी है, और जो थर्ड आंसर की है वो विजन IAS की है. तो हम तीनों को कंपेयर करेंगे, 11 क्वेश्चन जो वेरी कर रहे हैं उस पर हम देखेंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं. अगर आपके 11 क्वेश्चंस की वजह से सब कुछ पलट सकता है यार, 11 से सीधा 22 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर प्लस माइनस नेगेटिव मार्किंग को करके बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है.
तो आप जानते हैं कितने सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो पॉइंट पे उनका सिर्फ प्रेलिम्स क्लियर हुआ है, पॉइंट भी क्या उतने ही मार्क्स आए हैं जितने प्रेलिम्स की कट ऑफ जाती है, और वो नंबर 1 रैंक या नंबर 3 या नंबर 9 ऐसे रैंक्स में बहुत सारे लोगों को गिनवा सकती हूँ। तो इसीलिए अगले 15-20 दिन बिल्कुल होल हार्टेडली अपनी प्रिपरेशन करो, कुछ भी मत सोचो, ठीक है? तो 3% एरर तो खैर नहीं है, हम देखेंगे कैसे। एक और चीज कट ऑफ के बारे में भी देखिए, शंकर आईएएस का कहना है, इनकी रिवाइज जो इन्होंने कट ऑफ निकाली है कि 83 से 87 जाएगी जनरल की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जाने वाली किसी भी हालत में। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है ये सब कुछ, नो रेपिटेशंस, कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है, ओके? तो क्वेश्चन 17 किस पे है हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 17 इज अबाउट इंडियन स्क्वेरल्स। तो इनका जो आंसर है वो क्या बताता है, शंकर आईएएस की आंसर की कहती है कि बी आंसर है, यानी कि दो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है? तो ये कौन कौन सी स्टेटमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली समझ रहे होंगे कि ये सही है? एक तो ये ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है? और दूसरी स्टेटमेंट जो शंकर आईएएस, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि शंकर आईएएस क्या समझती होगी कि दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, कि अपना जो फूड मटेरियल है जैसे नट सीड ये ग्राउंड में स्टोर करते हैं, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना आंसर क्या दे दिया, बी। ऑलराइट, यानी कि दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि इनके हिसाब से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। इनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिस इज ऑल अराउंड, अगर आप थोड़ा सा भी इकोलॉजी वगैरह पढ़ी है आपने तो आप भी जानते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड में नहीं ये रहते, इनका जो हैबिटेट है वो आर्बोरियल है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो ये इस वजह से इनका आंसर पे डिराइव करें, जो बिल्कुल हो सकता है बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि विजन आईएएस भी यही कहता है। आप विजन आईएएस पे अगर हम देखें तो विजन आईएएस भी यही कहता है कि 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इनका जो आर्बोरियल स्पीशीज है ये, और धीरे धीरे करके अब ह्यूमन एनवायरमेंट्स में भी रह रहे हैं। लेकिन कम्स टीम जीजी, यानी कि घनश्याम गौतम सर का आंसर है सी, ओके? आप देख सकते हैं घनश्याम गौतम सर का आंसर सी है, और मैं बताती हूँ कि क्यों सी होगा, अगर तो आप उनको जानते हैं, है ना? तो आप, या फिर वो माइंडसेट जिस हिसाब से उन्होंने बहुत बच्चों को समझाया है, तो मैं आपको एक और चीज बता, जो बिल्कुल ऑफ कोर्स सी आंसर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब आप एक जगह कह रहे हो कि अपना फूड मटेरियल और नट्स और सीड्स ये सब को जो स्टोर करते हैं ग्राउंड में, तो वो बरोज भी बना सकते हैं ग्राउंड में, मतलब कुछ तो होना चाहिए, वरना क्या कर रहे हैं वो? आई होप यू गेट माई पॉइंट, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में अगर वो कुछ स्टोर कर रहे हैं तो बरोज तो खोदते होंगे, ये भी लॉजिक लगता है। अब एक और चीज, बहुत रिसेंटली एक रिसर्च पेपर भी आया था, वो ये भी बता रहे थे कि कुछ वेरिएशन जो उनके हैबिटेट में आ रही है वो ये आ रही है कि वो ग्राउंड में नेस्ट भी नेस्ट भी खोदते हैं, ऑल ऑफ दैट। अब लेकिन अगर हम सोचे एक तरह से, तो ये सही नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि एक रीसेंट ट्रेंड जो डेवलप होता जा रहा है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यूजुअली दे डोंट मेक बारोज इन द ग्राउंड, सो वी कैन जनरलाइज इट। तो अब देखिए मैं आंसर नहीं बता रही आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, दोनों हो सकते हैं, बी आंसर भी हो सकता है, और आई होप आप समझ रहे हैं मैं समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ, बी आंसर भी हो सकता है और सी आंसर भी हो सकता है, ओके? तो ये तो होगा क्वेश्चन 1 जो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ये चार चीजें दी हैं, और इसमें पूछा गया है इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। और शंकर आईएएस ने और विजन आईएएस ने भी इसका आंसर डी दिया है, ऑल 4, ओके? कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ऊपर दिए गए चार ऑप्शंस में से किसको बनाने के लिए यूज होता है, ऑल 4 ऑप्शन दिया है साइंस एंड टेक में, डी कंपनी, ओके? आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा रूल है कि डी मोस्टली आंसर होता है। अब देखिए डी आंसर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं आपको टीम जीजी का आंसर बताती हूँ 20 का क्या है, ओके? सी आंसर, तो यानी कि ओनली 3, इसमें से कोई एक ऐसा है जो नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टीम जीजी का आंसर वो क्यों है,
और दोनों ही हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ आंसर्स नहीं बता रही, मैं ये बस ये बता रही हूँ कि डी भी आंसर हो सकता है और सी भी आंसर हो सकता है। क्योंकि देखिए क्या है ना, डी आंसर हुआ करते थे साइंस एंड टेक के पिछले 2021 तक हुआ करता था, पर 2021 से अब डी आंसर नहीं होता साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो यही बेसिकली ट्रेंड हो रहा है, सेटअप हो रहा है, ठीक है। तो 2021 में जब पेपर आया तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस के आंसर डी नहीं थे। तो इस वजह से ऑफ कोर्स इसमें से एक ऐसा है भी है जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शायद यूज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो सर हैं आईपीएस, जो बेसिकली घनश्याम गौतम सर हैं, ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, जो उनको इस चीज़ में नॉलेज भी है, ठीक है। तो देखिए मेरे को नहीं पता, मैं आई डोंट नो हिम पर्सनली, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, बट आई एम टेलिंग यू कि कैसे यू नो समझा, आई टेल यू, ओके। तो जैसे ये चार चीज़ें लिखी है, इसमें से एक हैज़ टू बी गलत, क्योंकि ऐसा ही चला आ रहा है। लेकिन अब यूपीएससी को जब ये पता चल गया कि सब ये रूल्स यू नो आ रहे हैं, ट्रिक्स एंड उसमें बताया जा रहा है कि ये ट्रिक है कि डी 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 कर दो साइंस एंड टेक का, तो यूपीएससी ने इसको तोड़ने के लिए 2021 में क्या किया, डी आंसर रखना बंद कर दिया। अब 2021, 22 और अब 23 आ गया, पिछले 3 साल से क्या चल रहा है, डी इज नॉट द आंसर, डी इज नॉट द आंसर, डी इज नॉट द आंसर। मे बी यूपीएससी अब दोबारा पीछे जा रही है, डी ही आंसर हो जाए, एक जनरलाइज व्यू उसने दोबारा लेना शुरू कर दिया। यू कांट से आइदर ऑफ देम कैन बी द आंसर, डी और सी, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, ओके। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऊपर दिए गए में से कितने UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। तो जो आंसर है वो ऑल 4 है, किसके हिसाब से, शंकर आईएस के हिसाब से, ओके। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें टीम जीजी की, तो इनका आंसर अगेन सी है, बिकॉज वन ऑफ देम हैज टू बी रॉन्ग। अगर हम ये वही वाला डी वाला जो लॉजिक है वो लगाने की कोशिश करें तो ओनली 3 भी आंसर हो सकता है। अब इससे पहले कि हम आगे इस चीज पे बात करें, हम विजन आईएस का भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे टेक है। ओके, तो विजन आईएस का आंसर भी सी है, ओके। तो कैसे सी है ये भी हम देख लेते हैं। ऑलराइट, इन मार्च 2020 सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैंड अलोन बिजनेस यूनिट, ओके, making UNOPS the first United Nations organization able to make direct investments from its own balance sheet. तो यहाँ पे इन्होंने verbatim लिख दिया है कि initiative 3 focus areas में होंगे, है ना, affordable housing, renewable energy and health infrastructure, ठीक है। तो options क्या क्या थे, basically affordable housing, mass rapid transport यहाँ पे गलत हो गया, health care, renewable energy, ठीक है। तो देखिए अगर हम बिल्कुल वर्बैटिम देखें S3I में, तो फिर एक तो गलत है, लेकिन S3I अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को भी हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए इसका सी आंसर है, बट स्टिल डी भी हो सकता है, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन 30। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, विच इज अगेन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू शंकर आईएएस, पर और किसी आंसर की में इसे सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन नहीं बोला गया है, सब यही कह रहे हैं फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। पर इन्होंने फिर भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल डिसीजन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेकिन आपके लिए तो हो गया ना जिसपे आप श्योर नहीं है, तो ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है इनके हिसाब से। हम एक बारी टीम जीजी और विजन आईएस को भी चेक कर लेते हैं, इनके हिसाब से तो सी ही आंसर है, ओके। और एक बार विजन आईएस के हिसाब से अगर हम देखें तो दिस इज ओके, तो इनके हिसाब से ए आंसर है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बोल दिया, तो अगेन यहाँ पे एक और दिक्कत आ गई, एक और क्वेश्चन विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, ओके। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था जो 2 आंसर हो सकते थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन।
क्वेश्चन 32 क्या कहता है? अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज सुबह सुबह शंकर आईएएस ने अपनी रिवाइज्ड की निकाली है, रिवाइज्ड आंसर की कट ऑफ निकाली है रिवाइज्ड की, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो रिवाइज्ड कट ऑफ है वो 83 से 87 रहेगी। और उसमें उन्होंने नीचे ये भी लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, उन्होंने ये लिखा है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 था उसका आंसर हमने अपनी ओल्ड की में, यानी कि इस वाली की में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ए दिया है, पर हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, आंसर बी है। ठीक है, तो हम इसका आंसर बी समझेंगे अब शंकर आईएएस के हिसाब से। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। इन इंडिया प्रिजंस आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। दैट्स ट्रू, क्योंकि प्रिजंस एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट है वो एलिमिनेट हो जाती है, वो ये डी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एलिमिनेट होगी क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट लिखी है, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, तो एक और स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। इन इंडिया प्रिजंस आर गवर्न्ड बाय प्रिजंस एक्ट 1894 व्हिच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजंस इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसका रीजन है, ठीक है, कि क्योंकि प्रिजंस एक्ट 1894 ने इस सब्जेक्ट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ही कंट्रोल में रखा था, तो इस वजह से हमने आज अपनी जो सेवन स्केड्यूल की लिस्ट में इसको दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं, इट इज नॉट हाउ इट इज। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि बी आंसर है। ओके, दे बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। अब हम देख लेते हैं टीम जीजी 32 पे क्या कहती है। ओके, सो दिस इज 32। टीम जीजी का कहना अभी भी यही है कि ए ही ऑप्शन आंसर है। अब हम देख लेते हैं एक बार के विजन आईएएस क्या कहता है। ठीक है, ओके, तो विजन आईएएस का आंसर भी ए ही है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि अगेन अनदर क्वेश्चन विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। देव ऑफ कोर्स यू कैन गो ऑन एंड रीड, बिकॉज आई डोंट थिंक आई शुड बी बहुत ज्यादा एलोकेटिंग टाइम ऑन दिस थिंग एक्सप्लेनिंग के क्या है आंसर क्या नहीं, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अगेन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जिसमें आप श्योर नहीं हो सकते, 10 मार्क्स जा चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब क्वेश्चन नंबर 34, ओ माय गॉड, दिस इज सच अ क्वेश्चन। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनएक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो शंकर आईएएस के हिसाब से फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑफ कोर्स आई थिंक, मैंने अभी देखा नहीं है, बट टीम जीजी के हिसाब से पक्का इसका ऑप्शन बी होगा, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि टीम जीजी का आंसर 34 का क्या है। यस, इट्स बी, इट हैज टू बी बी, यू नो, क्योंकि यही होने वाला था। अब हम देख लेते हैं कि एक बार विजन आईएएस क्या कहती है। ओके, इफ दिस इज द क्वेश्चन, तो इनका आंसर भी ए है, यानी कि शंकर आईएएस वाला आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस में, दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ठीक हो सकता है, अगेन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। अब देखिए मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो घनश्याम गौतम सर हैं वो, जैसा कि उनकी आंसर की में भी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने लिखा हुआ है कि यू नो दैट ही वुड कम अप विद द रिवाइज्ड की ऑन 5th of June, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन ही वुड कम अप विद द कट ऑफ प्रिडिक्शन एज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन शायद अभी यहाँ पे मैच नहीं कर रहे वो आने वाले समय में मैच कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे उस दिन 5 जून का ये सब कुछ नहीं पता और उस दिन जाके चेक नहीं करेंगे, तो उन्होंने तो पहले ही चेक कर ली वो, और पहले ही इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, तो इस वजह से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा 7th क्वेश्चन विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन वो कौन सा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ओके, तो क्वेश्चन 37 क्या है? नाउ दिस इज विद रेफरेंस टू फिनेंस बिल एंड मनी बिल। ओके, अब इनका कहना है कि ऑप्शन ए, यानी कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, और वन ऑफ द स्टेटमेंट्स भी इन्होंने कौन सी करेक्ट बोली होगी, ये व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट
amend or reject the bill, it can only make recommendations. ठीक है, तो इनको लग रहा है कि सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए इन्होंने ऑप्शन दिया है ए, यानी कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. हम एक बार ही पढ़ लेते हैं बाकी और स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं. व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. ओके, अब देखिए, आई होप आप समझते हैं कि फाइनेंस और ये जो फाइनेंस बिल होता है वो बजट के समय, क्योंकि अप्रोप्रिएशन हो चुकी है तो उसके बाद पैसा एलोकेट भी तो करना है, इसीलिए लाया जाता है, ऑल ऑफ दैट. ये बजट से रिलेटेड है दोनों ही बिल्स. ठीक है, तो इनके हिसाब से कि ये सही है कि फिनेंस बिल को अमेंड भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और इनके हिसाब से ये भी सही है. ये तो बकवास स्टेटमेंट बना दिया एकदम ही. इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देर इज नो जॉइंट सिटिंग. ओके, मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, लेकिन एक जॉइंट सिटिंग नेसेसरी हो जाती है फिनेंस बिल के लिए. कैसे नेसेसरी हो सकती है, तो ये बिल्कुल ही रबिश स्टेटमेंट है. ठीक है, तो घुमा फिरा के दो ही यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम बाकी आंसर की इसे भी कंपेयर करें, या तो ओनली वन या ओनली टू. तो वही टीम जीजी में आई थिंक होगा. द क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन 37, लेट अस जस्ट चेक. या तो इनके हिसाब से ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, तो इनके हिसाब से बेसिकली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि फिनेंस बिल को अमेंड और रिजेक्ट किया जा सकता है. शंकर आईएएस के हिसाब से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट तो है ही रॉन्ग, और सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, एक बार हम विजन आईएएस के हिसाब से भी देख लेते हैं कि क्या है. ओके, तो इनके हिसाब से भी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और वो स्टेटमेंट नंबर टू है, यानी कि ओनली वन ए ही ऑप्शन है इनके हिसाब से भी. तो यहाँ पे शंकर आईएएस और विजन आईएएस एक ही लाइन पे हैं, एक ही पेज पे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है. ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल बताना चाहती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच इज 42. ओके, दिस इज द क्वेश्चन विच अगेन इज अ लिटिल, ओ हियर आई एम श्योर दिस इज माई वेरी कॉन्फिडेंट टेक ऑन इट, के जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है. स्तूपा का कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट ऑफ बुद्धिस्ट ओरिजिन. तो इसकी दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और वे दो और तीन हैं, तो इनका ये ऑप्शन सही है बी. लेकिन आई थिंक टीम जीजी की जो आंसर की है 42 का आंसर, उसमें सी दिया गया है, यानी कि ऑल थ्री आई थिंक. हाँ, तो इन्होंने ऑल थ्री दिया है. अब हम एक बारी ये भी देख लेते हैं कि विजन आईएएस क्या कहती है, पर आई एम वेरी वेरी श्योर के बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है स्तूपा का. ओके, what is the question here so that I get something to write. Repository. तो इनका आंसर बी है, विच इज ओनली टू स्टेटमेंट. या सो बी इज द करेक्ट आंसर विजन आईएएस के हिसाब से भी. ओके, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन एंड आर नाइन्थ क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 56. ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56. उतने में आप शंकर आईएएस की एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, कुछ बात हो तो उनसे कर सकते हैं. एक और चीज इज देयर एनी लॉयर हु इज वॉचिंग द वीडियो, सुप्रीम कोर्ट लॉयर या हाई कोर्ट में, प्लीज आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगी. प्लीज़ हम PIL के बारे में सोच रहे हैं. इफ़ एनी लॉयर इज़ वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट. ओके, तो क्वेश्चन 56. तो इनके हिसाब से इसमें से एक ही स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. अ लॉट ऑफ स्पेस, राइट? तो स्पेस के बारे में पिछले साल में आया भी बहुत कुछ, तो इन्होंने कुछ बहुत ही बेसिक पूछ लिया कि पल्सर क्या होते हैं, नेब्यूला क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, विच इज क्वेश्चन नंबर 56. और अगर हम टीम जीजी के हिसाब से देखें तो इसका आंसर क्या इन्होंने बताया हुआ है, डी, विच इज नन आई थिंक. ओके, तो इनके हिसाब से नन इज द आंसर. और अगर हम बात करें विजन आईएएस की, तो हम यहाँ भी देख लेते हैं.
ओके इन्होंने भी बोला है कि इसमें से एक जो है वो करेक्ट है, वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज 10th क्वेश्चन विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. सो दिस इज क्वेश्चन 71. ओके क्वेश्चन 71. अब देखिए एक और चीज, मैं भी पर्सनली यही बिलीव करती हूँ कि इसका बी आंसर है. ऑल्दो आपको ऐसा लगता है कि ऑल एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, तो ऑल बैंक लोन्स जो MSME को दिए जा रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आते, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स. ऑल बैंक लोन्स टू MSMEs कम अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर ओनली. सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. हम देख लेते हैं कि टीम GG का क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का. तो उनका डी आंसर है, डी इज बेसिकली नीदर. ओके तो हो सकता है, देखिए अब दिस इज माई टेक, लेकिन नीदर भी आंसर हो सकता है. ओके क्योंकि इसमें भी अगर आप सोचेंगे MSME के बारे में पढ़ेंगे तो दिस ऑल्सो कैन बी द आंसर. लेकिन अगर हम देखें कि विजन IAS का क्या कहना है, आप देखिए एक और चीज़, विजन IAS की जो आंसर की है वो बहुत ही फेल प्रूफ लगती है, पर विजन IAS के आंसर्स भी गलत हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से. ओके तो डोंट बी अंडर दैट इम्प्रेशन. ओके एक बार हम देख लेते हैं कि क्या बेसिकली यहाँ पे लिखा है. तो इनके हिसाब से भी जो आंसर है वो डी है, जैसा कि मैंने आपको बताया नीदर ऑल्सो कैन बी दी आंसर. सो अगेन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. तो यहाँ तो शंकर और विजन भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते. ठीक है तो ये हो गया. अब हम जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, दैट इज क्वेश्चन 77. ओके तो क्वेश्चन 77 क्या है, दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज. ओके हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है कि उसे स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, सारी स्टेट्स को फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. दैट्स ट्रू. ये वही एक आप कह सकते हैं प्रोविजन है संविधान का जहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो शब्द है वो अभी भी मैंशनड है. आप जानते हैं, आपने संविधान पढ़ा है, यू वेरी वेल नो अबाउट इट. ओके तो ये स्टेटमेंट देख ली हमने. फिर दूसरी स्टेटमेंट आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट करती है स्टेट्स को कि वो प्रिवेंटिव रिटेंशन में काउंसिल ना प्रोवाइड करे पर्सन को, तो दैट्स फाइन. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू है ना. अब यहाँ पे पोटा आ गया. ओके कि कन्फेशन जो एक अक्यूज देता है तो पुलिस उसको एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकती. तो हम देखते हैं कि टीम GG क्या कहती है 77 क्वेश्चन पे. इनके हिसाब से ए, यानी कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके और अगर हम देखें विजन आईएएस के हिसाब से क्या है बेसिकली. ओके सो विजन IAS सेज के ए आंसर है. ओके तो यही टीम GG भी कह रही है. ओके ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से एग्जेम्पशन नहीं मिलता, लॉ के हिसाब से मिलता है एंड ऑल ऑफ दैट. ये भी हो सकती है इसकी इंटरप्रिटेशन. ठीक है तो ये 11 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही भारी मात्रा के क्वेश्चंस हैं. आप प्लीज़ अगले 15-20 दिन ऑप्शनल एथिक्स प्रिपेयर करना शुरू कीजिए. कोचिंग मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट भी मत कीजिए. अगर आपको किसी भी तरह का और प्लान बी से रिलेटेड कोई वीडियो एक डिटेल चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं क्या नहीं, स्पेशली जो बहुत ही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है. दिस वेरी डे ओनली आई रिसीव्ड अ मैसेज जिसमें एक बच्चे ने ये लिखा है कि मैम लेकिन जो नॉन टेक बैकग्राउंड है या जो इंजीनियर्स नहीं होते उनको तो जॉब मिलेगी नहीं कोई, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है वो गवर्नमेंट जॉब है और इसीलिए हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है. तो अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो आप प्लीज़ कॉमेंट में बताइए. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. हाउ कैन यू बी थिंकिंग अबाउट बिकमिंग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड फिनेंशियली सिक्योर एंड देन प्रिपेयर फॉर द UPSC. ओके थैंक यू सो मच.